हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बालों को स्मूथ, शाइनी और सिल्की बनाने की एक ऐसी इफेक्टिव रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इसे दिन में कभी भी अपने बालों में लगा सकते हैं और जब आपको टाइम मिल जाए तब आप अपने बालों को शैम्पू से साफ कर लें, और अगर उस दिन आपको टाइम नहीं भी मिल पाता है तो अगले दिन आप नहाते टाइम अपने बालों को साफ कर लें। इससे आपके बालों में कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से तैयार किया गया नुस्खा है। फ्रेंड्स, मैंने इस रेमेडी को अपने बालों में लगाया और फिर जब मैंने शैम्पू किया तो मेरे बाल इतने सिल्की, शाइनी और काले लग रहे थे, और आपने तो देखा ही है कि मेरे बाल कितने पतले से हैं, लेकिन मेरे बालों में भी बहुत ही घनापन आ गया था और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और फिर उसके बाद मैं अपनी किटी पार्टी में गई थी जिसकी क्लिप मैंने आगे वीडियो में शेयर की है, आप जरूर देखना और मुझे बताना कि मेरी पार्टी आपको कैसी लगी। और तो फ्रेंड्स, पार्टी में पहुंचने का एक फिक्स टाइम रखते हैं और जो भी मेंबर उस टाइम तक पार्टी में पहुंच जाते हैं फिर उसे हम पार्टी में पंक्चुअलिटी का गिफ्ट देते हैं, यानी कि सभी एक एक नंबर लेकर आपको जो ये रेड कलर का लोटा दिखाई दे रहा है इसमें डालते हैं और किसी भी एक बच्चे से वो नंबर फिर हम निकलवाते हैं। जिसका भी नंबर निकल आता है वही उस दिन की पार्टी का पंक्चुअलिटी मेंबर होता है। फ्रेंड्स, मैंने किसी को बिना बताए पार्टी में कैमरा लगा दिया था और ये मेरी तरफ से सबके लिए एक सरप्राइज था क्योंकि उस दिन हमने क्रिसमस पार्टी और अपनी किटी पार्टी साथ में ही रख ली थी। इसके बाद अब हमारा दूसरा गेम स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, जब तक यहाँ गेम की तैयारियाँ चल रही हैं तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि बालों के लिए इस इफेक्टिव नुस्खे को बनाना कैसे है। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें लेना है आंवला, कलौंजी, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, और ये मैंने मेथी दाना लिया है। आपको एक लोहे का बर्तन लेना है, फिर उसमें 4 पीस आंवला के डाल देने हैं। फ्रेंड्स, आंवला वालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद आधा चम्मच मेथी दाना डालना है। मेथी दाना से बाल स्मूथ होते हैं, साथ ही नई जान आ जाती है मेथी दाना से बालों में। फिर आधा चम्मच कलौंजी डाल देना है। कलौंजी में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और फाइबर होता है, इसे लगाने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है। इसमें 1 कप पानी डाल देना है, फिर इसे आप 10 से 12 घंटे तक गलने दें। फ्रेंड्स, जब तक आंवला गल रहा है तब तक हम देख लेते हैं कि मेरी पार्टी में क्या हो रहा है। यहाँ स्टार्ट हो चुका है तंबोला जिसमें बनाना है हमें 4 कॉर्नर, अर्ली 5, 3 लाइंस, आई लव यू, गंगा जमुना, डे नाइट और 3 फुल हाउस। लेकिन जिसका भी फुल हाउस बन जाएगा उसे फुल हाउस नहीं बोलना है, उसे बोलना है मैरी क्रिसमस। फ्रेंड्स, एक एक करके सभी का कुछ ना कुछ बनता गया और सभी ने बाजी मार ली। लेकिन फ्रेंड्स, इस प्यारी सी बच्ची का रिएक्शन देखना आप, जैसे ही इसका फुल हाउस होता है ये किस तरह से बोलती है मैरी क्रिसमस। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर तंबोला तो खत्म हो चुका है और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अब कौन सा गेम स्टार्ट होने वाला है हमारी पार्टी में। इस गेम में एक बाउल में कुछ स्लिप बनाकर रखी गई है जिसमें लिखा हुआ है मैरी क्रिसमस। हर एक मेंबर को एक डाइस दिया जाएगा जिसे बिल्कुल उसी तरह से फेंकना है जैसे कि हम लूडो खेलते हैं, फिर जितना नंबर आ जाएगा उसे उतनी ही स्लिप निकालना है और इस तरीके से 4 बार करेंगे। फिर सारी पर्ची खोलकर उसमें देखना है कि किसमें मैरी लिखा हुआ है और किसमें क्रिसमस, फिर इन्हें मैच करना है और जिसकी सबसे ज्यादा मैचिंग हो जाएगी वही इस गेम का विनर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। सो गाइस, हम फिर से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आंवला मैंने 10 घंटे पहले गला कर रख दिया था और ये बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका है, अब मैं इसे यूज करूंगी। ये बहुत ही मैजिकल रेमेडी है। अभी हमें इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड करना है। फ्रेंड्स, अब हम इस आंवले को और इसमें पड़े हुए मेथी दाना और कलौंजी को जार में डालकर पीस लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको इसकी गुठलियां निकाल देना है। सारी गुठलियां मैंने निकाल दी हैं। गुठलियां निकालने के बाद अब हम इसमें पड़े हुए इंग्रेडिएंट को छन्नी से छानकर जार में डाल देंगे क्योंकि बिना पानी के ये आंवला नहीं पिसता है। 1-2 चम्मच पानी भी हमें इसमें डाल लेना है। फिर इस पानी को आपको फेंकना नहीं है, इसी पानी में पीसने के बाद हम फिर से ये सारा इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। अब मैं जा रही हूँ इसे पीसने और आप देखिए कि मेरी पार्टी में क्या हो रहा है।
इधर तो फ्रेंड्स अपनी अपनी स्लिप काउंट की जा रही है और मैं भी वेट कर रही हूँ कि मेरा नंबर कब आता है। मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और मेरा नंबर आ ही गया। अब मैं देखती हूँ फ्रेंड्स कि मेरी कितनी स्लिप मैच करती हैं। सच कहूँ फ्रेंड्स, जब इस तरह से अपने दोस्तों के साथ में बैठकर हम गेम खेलते हैं और उसमें हारने जीतने का एक अलग ही मज़ा होता है, और उस टाइम तो हम सभी बच्चे बन जाते हैं। सभी को ये लगता है मैं फर्स्ट आऊँगी, ये सेकंड आएगी, और ये कैसे जीत गई, इसने चीटिंग की है, बहुत ही मज़ा आता है। फ्रेंड्स, मेरी 8 स्लिप मैच की थी और इस गेम में मेरी सेकंड पोजीशन थी। हम सभी अपने घर की पूरी टेंशन भूलकर यहाँ बैठकर सिर्फ इंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपको ब्राउन स्वेटर में दिखाई दे रही हैं, इन्होंने ही इस गेम में सबसे ज़्यादा पॉइंट बनाए थे, यानी कि इनकी 10 स्लिप मैच की थी। यही है इस गेम की विनर। फ्रेंड्स, आज टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है क्योंकि मेरी पार्टी के कुछ मेंबर्स को कहीं बाहर जाना है, इसलिए हम लोगों ने आज जल्दी में पार्टी की है। नहीं तो हम लोग डांस भी करते हैं। आज हम लोगों ने डांस नहीं किया, सिर्फ गेम ही रखे हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारी किटी पार्टी की चीफ मेंबर और सबसे बिंदास, दिलखुश और बहुत ही मस्त भाभी हैं ये, इसीलिए मैं इन्हें प्यार से मस्त भाभी बोलती हूँ। फ्रेंड्स, अब सबसे लास्ट में बस यही रह गई थी और अब आ गया है मस्त भाभी का नंबर। इस गेम में इनकी कोई भी पोजीशन नहीं आई है, लेकिन आज की पार्टी की पंक्चुअलिटी मेंबर यही है। पंक्चुअलिटी में इनका ही नंबर निकला था। फ्रेंड्स, ये जो मेरे बगल में बैठी हुई है स्पेक्स लगाकर, आज का दिन इनके लिए सबसे ज़्यादा लकी था। हर एक गेम में कोई ना कोई पोजीशन इनकी ज़रूर ही आई है और आज की लकी मेंबर भी यही है। अब आ गया है खाना खजाना का नंबर। जब तक ये लोग अपनी पेट पूजा करेंगे, तब तक हम चलकर अपना आगे का वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने आंवला, कलौंजी और मेथी को पीस लिया है। अब हम इस पेस्ट को इसी पानी में फिर से डाल देंगे। इस पेस्ट को पानी में डालने के बाद फिर हमें ठीक तरीके से इसे पानी में मिक्स कर लेना है, जिससे कि पिसे हुए पेस्ट की गुडनेस पूरी तरह से इस पानी में आ जाए। फ्रेंड्स, ये सभी इंग्रेडिएंट मैंने अपने बालों के अकॉर्डिंग लिया था। आपके बाल जितने लंबे हों, आप उसी हिसाब से ये पूरा इंग्रेडिएंट ले सकते हैं। इस रेमेडी को बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अभी हमें एक चीज़ और ऐड करना है। फ्रेंड्स, अब हमें इसका पानी दूसरे बाउल में निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, छन्नी से छानकर अब मैं इसका पानी निकाल लेती हूँ। इस तरह से स्पून से हम इस सामग्री को थोड़ा थोड़ा पुश करते जाएंगे, जिससे कि इसमें बचा हुआ पानी भी बाउल में निकल आए। फ्रेंड्स, अब हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जो है सरसों का तेल। आपको इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड करना है। फ्रेंड्स, सर्दियों के सीजन में बालों को पूरा पोषण देने के लिए इससे अच्छा नुस्खा दूसरा हो ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, इस सीरम को कॉटन की हेल्प से आप अपने बालों की स्कैल्प से टिप तक पूरे बालों में लगाएं। आपने अगर हफ्ते में 2 दिन इसे अपने बालों में यूज़ किया, तो आपके बालों का झड़ना, उनकी ड्राइनेस, डलनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके इस्तेमाल से बाल बहुत ही स्मूथ, शाइनी और खूबसूरत हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेमेडी और मेरी किटी पार्टी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप मेरे वीडियो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।